और ताई जी लगी हुई है गेमर से बात करने में। और बस वो और यहाँ पे देख सकते हो भाभी जी लगी हुई है कद्दू बनाने में। ये देख सकते हो यहाँ पे कद्दू को घोटा गया है। तो भाभी आप इसमें क्या क्या चीजें डाल रहे हो? ये क्या है? ये नून। अच्छा तो सुनील भाई जी लाइन पे है, उनको लाइव हम कद्दू बनाते हुए दिखा रहे हैं। ये देख सकते हो वो कह रहे तो चलिए जी, एक और नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है खूबसूरत गांव गलियारों और पहाड़ों से। ये देखिए जी, हे मेरे ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ एकदम राज्य खुशी होंगे। मैं शोक रावत स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत गांव गलियारों और पहाड़ों में। तो चलिए जी, गेमर तो जा चुका है, मन तो नहीं लग रहा है, पर लेकिन क्या करें, हमें भी अपना रोजगार और काम तो करना ही पड़ेगा। डेली हमारी वीडियो आती रहती है और डेली हम काम करते रहेंगे। जब तक आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम हिम्मत नहीं हारेंगे। तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे जीजाजी मोहन सिंह नेगी ग्राम कोला और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग मुझे आगे भी ले जाएंगे। तो बोलिए मेरे साथ जय श्री राम। तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। स्कूल नहीं गए? फोन का आज दिल के बोल चाचा और ये भी देखिए, गेमर का एकदम प्यारा था, रात को भूख रहा था, बिल्कुल रात को परेशान कर दिया इसने भोग भोग के। और आज जाना है हमें मिट्टी लेने के लिए रहचान में, क्योंकि घरों की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो उनकी पहाड़ों में ये देख सकते हो ऐसी मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, उसको साथ गोबर मिला के पुताई की जाती है। और यहाँ देखिए, शहर में होते तभी तक ये दिखाई नहीं देते, और यहाँ देखिए ऐसे ही पड़े हुए नीचे, देख सकते हो कितने सारे ऐसे सड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, और खाने वाला कोई नहीं है। वैसे खाते हम लोग भी हैं, पर लेकिन उतना इच्छा नहीं होती है, एक दो खाया बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं खाता है। लगभग ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, या तो बंदर खाएंगे या तो चूहे खा लेते हैं इनको। हाँ तो क्या करनी शक? वाह बिग चाचा आ गया यार, ध्यान सही में देख दिल तुम फराग ली हुए। इस पे देखिए अभी तक भी लौकी बची हुई है, देख सकते हो एक लौकी लगी हुई है, हरी 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 लौकी बची हुई है। कुछ कुछ चीजें अभी है पहाड़ों में। तो क्या करने चाचा को क्या करने चाहिए? हाँ तो मैं पाल भाई भी जा चुका अपनी बकरी लेके चराने के लिए, और हम भी चलते हैं रहचान कैप्टन अमेरिका के साथ मिट्टी लेने के लिए। भानू आओ माँ, भानू भाई। तो कैप्टन अमेरिका कह रहा है आज मिट्टी लेने के लिए जाना है, और बिकी की याद नहीं आनी थी भाई? हैं बिकी याद आने ना खुल्लो हम से बेकार लगनु थी बेकार लगनु क्या कारण तब? ये देख सकते हो गाय के लिए चारा यहाँ पे फैला रखा है, ताकि धूप आए अरे सूख जाए, जब बर्फ पड़ेगी तब इसी को कट्टे में पैक करके अंदर रख देते हैं, और तब ये काम आता है जब बर्फ पड़ जाती है। तो देखते हैं कब तक बर्फ पड़ती है। तो कैप्टन अमेरिका कह रहा है कि मिट्टी लेने के लिए रहचांद में जाना है, लाल मिट्टी घरों की पुताई के लिए। चलिए जी, सूर्य देव भी पेड़ों के अंदर से निकल रहे हैं, और सामने जाना है हमने मिट्टी लेने के लिए। यहाँ पे पूरे गांव के लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लाल मिट्टी होती है जो घरों को एकदम चमका देती है। तो ताई जी और बुंद्रा जा रही आगे से, और मैं पीछे से फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। यह है जी बिल्कुल रहचांद धार। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सुंदर लगता है हमें, क्योंकि चारों तरफ देख सकते हो खुला ग्राउंड सा दिखाई देता है सूर्य देव, और सामने बादलपुर जहाँ की हम अभी हाल ही में गए थे। और कैप्टन अमेरिका थक गया हमारा, ये देख सकते हो कदा कट लिए। अच्छा, और यहाँ ज़्यादातर चीड़ के पेड़ हैं, पूरे चीड़ के पेड़, इन पे एक छुती भी होती है जिसके अंदर के बहुत स्वादिष्ट म्याले होते हैं।
ये होती है जी वो छूती, ये इसके अंदर अभी तो फिलहाल अभी नहीं है, गर्मियों के टाइम पे होगी। इसके अंदर एक 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 उसके अंदर दो दो म्याले होते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। और ये कभी हमारे दादी छाया है ना बूढ़ी, कभी हमारे दादी थे तो ये था मंगाना था। रात को ठंडियों के टाइम पे अगेठी जलाते थे इनको डाल के, और इसको जलाते थे और आग होती थी, आग सेकते थे अगेठी लगा के, है ना। ये चीज इकट्ठा करवाते थे हमसे बहुत सारे, इस टाइम से हम इनको इकट्ठा करने लग जाते थे, रात को इसको अगेठी में जलाने का काम करते थे। इससे हमारे घर ब्यूटीफुल हो जाते। पक्का पक्का। अब ठंडियों के टाइम पे गर्म होते हैं कि ठंड होती है इनमें? गर्म होते हैं, ठंडियों के टाइम पे गर्म होते हैं और गर्मी के टाइम पे ठंडी होती है। तो इस मिट्टी का ये भी है कि जब ठंडियों के टाइम पे इसको लिपाई पुताई करोगे तो कमरे गर्म रहते हैं और गर्मियों के टाइम पे ठंडे रहते हैं। लिपाई पुताई का दिन होना, मतलब लिपाई पुताई ताई जी करिए, देखो कब तक करती हूँ। कप्तान अमेरिका, ये गर्त नहीं भाई, कप्तान अमेरिका। मिट्टी लेकर आ चुका हूँ मैं घर पे और अब जा रहा हूँ। गेमर की दो ही कुकड़ियाँ बची, एक छोटा सा बच्चा और एक मुर्गी, उनको लेकर आता हूँ और यहाँ पे बंद कर देता हूँ ताकि वो भी धूप सेक ले। अच्छा क्या करना है यार, जरा दाढ़ी दूढ़ी बनाई है, ठंडा लग रहा है मौसम, बाकी क्या है। अच्छा हवा चल रही थी अब तो ठीक है। हाँ चंगे हैं तो दिन में तैयार क्या होने बोर्ड के बहाने आज? अभी कुछ नहीं, अभी दाल रोटी बनाएंगे, दाल भात बनाएंगे, बाकी क्या बनाना है। नाखून काट रहा हूँ जरा। और दादा कैसे आना है अभी देखो तब। तो रहा है मंगलवार को चलूंगा, बुधवार को आ जाऊंगा। अच्छा बूढ़ी क्या बहाने से? तो राजमा कैसे हो? गोदड़ी गोदड़ी बीज। अच्छा बस ये दो ही बची है, तीन थी एक बिल्ली खा गई। ये इनको उठाते हैं और सामने धूप जहाँ आएगी वहाँ बंद करते हैं। ऐसे लेकर मैंने इनको यहाँ बंद कर दिया है क्योंकि दो ही बचे हुए हैं। बिल्ली का आजकल ज़्यादा खतरा बना हुआ है तो गेमर ने मस्त जाली वाला बनाया था इनके लिए, तो इनको यहाँ बंद कर दिया। थोड़ा बहुत चावल डाल देते हैं बस, दिन भर यहीं रहेंगे, शाम को फिर वहाँ बंद कर देंगे। और ताई जी लगी हुई है गेमर से बात करने में। और बस हाँ भैया करे वो ठीक बोली याद भी आनी थी। आता दिन जब बड़ा वाला फोन तो देख सकते हो यहाँ पे कद्दू की तैयारी हो रही है दोपहर में। और यहाँ पे देख सकते हो भाभी जी लगी हुई है कद्दू बनाने में। ये देख सकते हो यहाँ पे कद्दू को घोटा गया है और अब भाभी डाल रही है मसाले। ये देख सकते हो ये है पहाड़ी मसाले जो खेती से हमें उपलब्ध होते हैं। ये सामने देखिए मिर्ची पूरी सुखाने के लिए डाल रखी, इनको कूट के इनके मसाले बनाए जाते हैं, मिर्ची बनाई जाती है शुद्ध पहाड़ी मिर्चियों के साथ। भाभी जी आज बना रही है कद्दू यानी पहाड़ी खरबूज। तो भाभी आप इसमें क्या क्या चीजें डाल रहे हो? ये क्या है? ये नून। अच्छा ये देख सकते हो ये है भाभी ने नून यानी कि नमक जिसे कहा जाता है, और मिर्ची मसाले पूरे पहाड़ी मसाले डाल दिए हैं। अब इसको घोट रही है भाभी जी और लाइन पे हमारे भाई देख सकते हो सुनील भाई जी लाइन पे हैं, उनको लाइव हम कद्दू बनाते हुए दिखा रहे हैं। ये देख सकते हो वो कह रहे हैं मुझे कद्दू बनाते हुए लाइव दिखाओ, और शर्मा के पीछे हो गए हैं। देखो ये देखो जी, और वो कह रहे हैं भाभी जी की फोटो लिया कर और भाभी जी को वीडियो में लिया कर। अरे ये सुनील भाई ने वहाँ पे उनको पता चल गया कि कैमरा लग चुका है इसलिए उन्होंने चश्मा पहन लिया है स्टाइलिश बनने के लिए। और कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा तो मिलते हैं आपको जब ये पूरी तरह से तैयार, और इसके बाद चावल भी बनेंगे अभी। तो आज कद्दू और चावल का
भोजन होगा जी दोपहर का पहाड़ी लंच जी। डेढ़ बज चुके हैं, कैप्टन अमेरिका ला चुका है अपने लिए फरे पान में खीरबोज और भात, यानी कद्दू और भात। और यहाँ भी हो चुकी है शुरुआत, और खीरबोज एकदम बन के तैयार हो चुका है, यानी कद्दू ये देख सकते हो फर्स्ट क्लास एकदम हरा कलर आ रखा है, ये पहाड़ी कद्दू है साहब। चलिए जी भोजनालय करते हैं लंच, पहाड़ी लंच ये देख सकते हो कद्दू और भात। और भाभी जी केल खाम के मखान थे डोंगम अभी शर्माने बदल खान ये देख सकते हो। अब करते हैं कैप्टन अमेरिका के साथ भोजन, ये लंच चेस चेस्ट कर तो चलिए जी अब खाना वाना खाते हैं और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं आज। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बोलिए जरा शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें ऑन एंड लव यू।